अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस रोज की तरह नया रिक्वायरमेंट लेके आया हूँ और आज का जो जॉब अपडेट करूँगा ये सऊदी अरब का है, अपना सॉरी बहरीन का है। ठीक है, तो बहरीन में एक कंपनी को इंडोर क्लीनर हेल्पर चाहिए जो सैलरी बहुत अच्छा लगाया है और ACR पासपोर्ट भी चलेगा। फिर इस बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी हो। ठीक है, और इसके अंदर ओवर टाइम अच्छा चलता है, कंपनी अच्छी है और ओवर टाइम मिला के मतलब सैलरी अच्छा खासा उठ जाता है। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पहले पूरा देखिए, अच्छे से समझ लीजिए ड्यूटी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और कितने दिन का प्रोसेस होगा, कहाँ मिलना है, कैसे मिलाना है। ठीक है, ये सारा डिटेल मैंने बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पहले वीडियो को अच्छे से समझिए, सारा चीज़ जब जानकारी मिल जाए तो फिर आके व्हाट्सअप पर यह मैसेज ना करिए कि भाई ये काम है कि नहीं है, वो काम है कि नहीं है, इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे अप्लाई करना है। जब सारा चीज़ पता हो तो वही हिसाब से अगर आपको जाना है, जेन्युइनली अगर आपको जॉब की नीड है तो जब समझ में आ जाए तो डायरेक्टली जैसे मैं बोलता हूँ वो हिसाब से डॉक्यूमेंट के साथ ही कॉन्टैक्ट किया करें, डॉक्यूमेंट भेजिए। और डॉक्यूमेंट जो भेजना है वो व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगा, इसी पे आपको भेजना है और बताना है मैंने ये वाला वैकेंसी देखा हूँ, इस पे जाना है। आपका डॉक्यूमेंट आएगा, आपको पहले सर्विस चार्ज बता दिया जाएगा कि आपको जाने के लिए क्या खर्चा है, अगर आप एग्री हैं तो फिर आगे का प्रोसेस बताया जाएगा, कोई भी आपको एडवांस पेमेंट नहीं देना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करें तो यूजर आईडी के जरिए आ रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखेंगे तो डिमांड लेटर जो भी होगा वो आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो को लेते हुए स्टार्ट। बहरीन के अंदर एक कंपनी है, उसको जो है इंडोर क्लीनर का रिक्वायरमेंट है जिसमें 100 लड़के चाहिए। ठीक है, और इसमें पासपोर्ट ACR ACNR सब चलेगा। बहरीन में कोई PCC की ज़रूरत नहीं होता है, डायरेक्टली आपको मेडिकल करना है। तो इसके अंदर जो लड़के चाहिए 100, तो इसमें सैलरी जो है बहरीन में दिनार चलता है, तो वहाँ पे 105 दिनार सैलरी है। ठीक है, और खाना आपको उसी में खाना होगा, ड्यूटी 12 घंटे की है, एक घंटा लंच निकाल के 11 घंटे ड्यूटी करना है प्लस ओवर टाइम है। हफ्ते दिन आपको एक छुट्टी मिलेगा, छुट्टी वाले दिन काम करेंगे तो आपको अलग से उसका पैसे मिलेगा। और कंपनी आपको रहने के लिए रूम, इकामा, मेडिकल कार्ड, इंश्योरेंस, जितनी भी फैसिलिटी होती है इंश्योरेंस सारा चीज़ कंपनी देगी। ठीक है, ये 2 साल का एग्रीमेंट होगा, 2 साल पूरा करने के बाद जब आप इंडिया आएंगे तो आपको आने जाने का दोनों साइड का टिकट मिलेगा। तो अगर आप इसमें जाना चाह रहे हैं तो आपका पासपोर्ट फर्स्ट और लास्ट पेज, पासपोर्ट साइज का फोटो, वैक्सीन का रिपोर्ट, ठीक है, स्कैन कराना है कोई कंप्यूटर दुकान से और उसके बाद भी यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है। डॉक्यूमेंट और एक इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए जो वीडियो में बताना है, मेरा नाम ये है और मेरा इतना उम्र है और मैं जो बहरीन में इंडोर क्लीनर में अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा सैलरी 105 है, ड्यूटी 12 घंटा है और उसके बाद में हम इस काम में जाने के लिए रेडी हूँ। और वो वीडियो जैसा आपको बनाना है वो वीडियो भी मैंने इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आप पहले वाला वीडियो देख लो, जिस तरीके से आपको वीडियो शूट करना है, इंट्रोडक्शन वीडियो आप हिंदी में बोलो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश सर्विस चाहिए, आप हिंदी में बोलो कि मतलब हम क्या काम क्या कर रहे हैं, किस कंपनी क्या काम में जा रहे हैं, क्या सैलरी है मेरा, ठीक है, और हम इस पर जाने के लिए एग्री है, ये सारा चीज़ आपको बोलना है। पहले आप वीडियो देख लो, इसे सेम आपको भी बनाना है तो वीडियो देख लो, उसके बाद में फिर वीडियो के बाद बोलते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला, मैं बहरीन जा रहा हूँ क्लीनर के काम में, 105 बीडी सैलरी, महीने में 2 छुट्टी है, 12 घंटा ड्यूटी है, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। वीडियो देखे होंगे, ऐसे आपको एक वीडियो बनाना है और डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, उसके बाद व्हाट्सएप पर भेजना है, इस वीडियो का भी स्कैन छोड़ लेना है कि मैंने ये बहरीन वाला वैकेंसी देखा हूँ, इस जॉब के लिए मैं रेडी हूँ और इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ। डॉक्यूमेंट आते ही आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा कैसे क्या अप्लाई करना है। ठीक है, कोई भी पेमेंट आपको एडवांस नहीं देना है, कहीं आपको भागना दौड़ना नहीं है। ठीक है, आपको जैसा बोला उस हिसाब से आपको अप्लाई करिए, उसके बाद आपको आगे का अपडेट बताया जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ जॉब दूसरा सर्च करें तो पुराना वीडियो जाकर देख सकते हैं। चैनल का कम्युनिटी वाला पेज जो है वो आप विजिट करते रहिए क्योंकि यहाँ पर भी वैकेंसी अपडेट करता रहता हूँ। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल अगर बगैर सब्सक्राइब करके देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नया जॉब के बारे में ऐसी अपडेट मिलता रहेगा। और बहुत से बंदे ये मैसेज करते रहते हैं हर कमेंट में कि भाई व्हाट्सअप नंबर क्या है आपका, व्हाट्सअप नंबर क्या है। तो मैं उन लोग से ये कहना चाहूँगा, जब आप कोई भी वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, कितना भी अच्छा हम जॉब का वीडियो बनाएं, कितना भी बढ़िया से बढ़िया काम लेके आए आप लोग के लिए, जब तक आप डिमांड लेटर अगर देख लो तो उसका डिस्क्रिप्शन उसका पूरा डिटेल नहीं पढ़ोगे, या अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको आवाज़ से बताऊँ समझाऊँ तो उनको समझ में आए हर सारी चीज़ को। तो जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, बस खाली अपना टाइम खेलते रहेंगे यूट्यूब और व्हाट्सअप। ठीक है, तो अगर आपको जाना रहे तो आप वीडियो को पूरा देखा करो, समझा करो, जब समझ में सारा चीज़ आ जाए तो फिर उसके बाद ही आप डॉक्यूमेंट भेजा करो। और डॉक्यूमेंट डायरेक्ट भेजो, फिर फ़ोन करके ना पूछो ये चीज़ आए कि नहीं है। हर वीडियो में नंबर देता हूँ, हर वीडियो में
नंबर देता हूँ कि जिस जॉब को अप्लाई करना हो उस जॉब के लिए हम वो नंबर वहाँ पे देते हैं, ठीक है। अगर हम आपको ईमेल में डॉक्यूमेंट मांगे हैं तो आप व्हाट्सएप पे भेजोगे तो आपका काम नहीं होने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए नहीं जाएगा डॉक्यूमेंट, क्योंकि सारा सब स्टाफ अलग है, हर कंपनी का जो वैकेंसी आता है तो उनका अलग अलग बंदे डील करते हैं कि इस काम के लिए कौन बंदा देख रहा है। अब आपको मेल मंगाया हो डॉक्यूमेंट तो व्हाट्सएप भेज रहे हो, व्हाट्सएप मंगाया तो मेल भेज रहे हो, तो इसमें भी आपको लेट होता है, आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान से सुनिए जब वीडियो देखो। तो वीडियो हम इसीलिए बनाते हैं कि बहुत सारा चीज़ जो आपको नहीं नॉलेज है वो आपको पता हो। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही कहीं भी कोई भी वैकेंसी से कोई भी एजेंसी से अगर आप जॉब अप्लाई करते हो तो वो एजेंसी वाले जिस तरीका से बोलते हैं उसी तरीका से आपको फॉलो करना है, उसी हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, ठीक है। बाकी और कुछ पूछना तो कमेंट कर सकते हो, वीडियो का लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। बाकी अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट जॉब के साथ, जब तक ले बाय, अल्लाह हाफिज़।